Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all are enjoying good health. Today we are going to make discussion on our 37th important essay with regards to law admission test preparation 2021 on the topic, should students get limited access to internet? It means that कि क्या तालबे इल्म जो है हमारे उनको हमें इंटरनेट की जो है वो लिमिटेड एक्सेस देनी चाहिए कि उनको एक हद तक जो है इसका इस्तेमाल करने देना चाहिए। तो इस पर हम डिस्कशन करते हैं। बेसिकली जो सोशल मीडिया है हमारा, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं क्योंकि इसके जो आजकल फीचर्स हैं, जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, वो ज़रा फ्रेंडली हैं कि इसमें इजीली आपकी कन्वर्सेशन हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है। और हम ऑलरेडी डिस्कस किया कि जिस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड मोर आर गिविंग पीपल अ चांस टू कनेक्ट विद ईच अदर अक्रॉस डिस्टेंसेज, के फासलों के बावजूद ये लोगों को मौका देते हैं कि वो एक दूसरे से रबते में आ सकें, एक दूसरे से जो है वो ताल्लुकात कायम कर सकें। और अगर मैं कुछ और अल्फाज यूज़ करूँ तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पूरी दुनिया है ये हमारे इस टाइम फिंगर टिप्स पे है, मतलब हमारी उंगलियों पे है, और ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से है। एंड सेकेंडली जो है, जो हमारी यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं सोशल मीडिया के, वो यही लोग हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस बारे में ज़रा फ़िक्र लाही करती हैं कि इनको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए या नहीं यूज़ करनी चाहिए। जिस तरह कि आप जानते हैं कि जो सिक्का है हमेशा उसकी दो साइड्स होती हैं, और इसी तरह सोशल मीडिया जो है इसकी भी हम दो इमेजेस को यहाँ पे कैप्चर करेंगे। सेकंडली हम इसके अब्यूज़ देखेंगे, और फर्स्टली हम इसके अब्यूज़ देखेंगे और सेकंडली हम इसके मिस अब्यूज़ जो हैं या फिर अब्यूज़ या फिर इसके डिमेरिट्स और ड्रॉबैक्स देखेंगे। और इस जो हमारा ये कंट्राडिक्टेड डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत से लोगों के इस पर डिफरेंट जो है पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो इस ऐसे में हम अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने जा रहे हैं सोशल मीडिया के। अगर हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे देखें तो हमारे पास बहुत से जो है अनगिनत इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले कि सबसे बड़ी ये डिवाइस है एजुकेशन की, आप कुछ भी चीज़ जो है वो पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, और ये सिर्फ आपके एक क्लिक करने से आपके सामने आ जाती है। आपको अगर कंपैरिजन करें पेपर बुक से तो आपको पेजेस नहीं जो है उनको देखना पड़ता, आपको किताबें नहीं खरीदनी पड़ती, और जो है बहुत से स्टूडेंट्स अपने आप को खुद जो है वो एजुकेट कर सकते हैं, अपने आप को जो है वो इल्म हासिल करने के काबिल बना सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए। और सेकेंडली क्या है हमारे पास, अब हमारे पास लाइव लेक्चर्स जो हैं वो भी सोशल मीडिया के थ्रू जो है पॉसिबल हैं। आप अपने घर में बैठ के हज़ारों मील दूर अमेरिका में बोलने वाले एक स्कॉलर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं अगर और सिंपल एग्जांपल लूँ तो हमारी जिस तरह टिप्स लॉ एकेडमी ऑनलाइन ई लर्निंग जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, तो हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिंध बलोचिस्तान केपी की से हमें रोज़ाना सुनते हैं, पढ़ते हैं और हमारे साथ जूम और मीट की लाइव क्लासेस में आते हैं। एंड सेकेंडली जो है हमें इस तरह की जो सोशल मीडिया से इनके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर भी होना चाहिए। सेकेंडली इन एडिशन इसके अलावा बात करें तो आपके जो नियर एंड डियर्स हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, ये आपसे उनके ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। और अब सोशल मीडिया की वजह से जो डिस्टेंस है ये एक रुकावट नहीं है आपके ताल्लुकात में, आपके रब्त में और आपकी कम्युनिकेशन में। ईजीली आप जो है अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से जो कि ओवरसीज़ हैं, फॉरनर्स हैं या आपसे हज़ारों मील दूर हैं, आप उनसे भी जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस को थोड़ा सा देखते हैं। सेकेंडली जो है अनदर एडवांटेज पहले देख लेते हैं कि बेसिकली कुछ ऐसी कंपनीज़ जो कि अपने ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहती हैं, उनके लिए भी एक जो है इट इज़ अ वेरी ब्लेसिंग, उनके लिए एक नेमत के तौर पर साबित हुआ है। और वो अपनी प्रमोशंस करती हैं और अपने कस्टमर्स को बहुत ईजिली जो है इंगेज कर लेती हैं। डिसएडवांटेजेस को देखें तो आपको पता है कि ये हार्मफुल एलिमेंट भी है सोसाइटी के, इसको कंसीडर किया जाता है। अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल ना करें और अगर इसके इस्तेमाल को हम मोनिटर नहीं करें, देखें ना, उस पर गौर व फिक्र ना करें, तो ये हमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस में भी एक ही तरफ भी लेके जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का ज़रिया है और बहुत सी हमारी यूथ, नौजवान लोग इस पे एंटरटेनमेंट के लिए जो है मूवीज़ देखते हैं, जो है फिल्म, ड्रामा सीजन, और सेकेंडली जो है एंटरटेनमेंट हमारी वीडियो गेम्स हैं। तो जब वो लोग इसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं कि दिन रात इसी चीज़ में लगे रहते हैं, तो उनके लिए फिर बहुत से हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेज हैं और मैनी अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, वीकनेस ऑफ आई साइड, नज़र का कमज़ोर होना,
ये सारी चीज़ें उसके सामने आती हैं। इस तरह वो बहुत सा अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं, अपनी पढ़ाई का वक्त भी इसे देते हैं, तो ये हमारे लिए जो है इसका डिसएडवांटेज भी है। और सेकेंडली साइबर बुलिंग, हमने पहले देखा कि साइबर क्राइम्स हैं, बहुत से फ्रॉड है, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग है, हरासमेंट है, तो ये भी जो है इसके डिसएडवांटेजेस में आते हैं। तो सेकेंडली आपको पता है कि अगर इसमें हमें रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बहुत सी फेक इन्फॉर्मेशन, फेक लिंक्स जो हैं यहाँ पे हमें मिलते हैं, जिसके हमें जो कि लोगों को मिसगाइड करते हैं। और बेसिकली एक दूसरे के जो कंपटीटर्स होते हैं, ये दूसरे को डिफेम करने के लिए इस तरह की चीज़ें जो है वो करते हैं। अगर हम इसके क्लियर देखें तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं और इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, लेकिन ये सारा कुछ जो है इसके इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड करता है। अगर आप जो है एक बैलेंस बना के चलते हैं अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंसेज में, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, सोशल मीडिया में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल वो हमेशा नुकसानदेह होता है, तो हमें चाहिए कि हम जो है सोशल मीडिया को या इंटरनेट को फॉर द पीसफुल पर्पसेज एंड फॉर द यूज़फुल पर्पसेज हम इसको इस्तेमाल करें, कुछ सीखने के लिए, कुछ इल्म हासिल करने के लिए, और इसको पॉजिटिवली यूज़ करें, और इसको जो है एक लिमिटेड टाइम में यूज़ करें कि हम बाकी जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंसेज हैं, हम उनको भी जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंटली साथ लेके चलें। तो शुड स्टूडेंट्स गेट अ लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट, ऐसे हम क्लियर कर चुके हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, मिसकंसेप्शन और कन्फ्यूजन, यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट अस बाय फॉलोइंग सोर्सेज यू आर शोन ऑन द स्क्रीन। एंड सेकेंडली यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट टिप्स लॉ अकेडमी एंड टीम फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट एंड लॉ गेट प्रिपरेशन वाई आर फॉलोइंग सोर्सेज, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.tipslawacademy.com। थैंक यू सो मच, मच रिगार्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स इन फ्यूचर।